हाय फ्रेंड्स, वेलकम यू बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक टेस्टी रेसिपी के साथ आपके पास आई हूँ। तो ये एक साउथ इंडियन डिश है, साउथ इंडियन स्नैक्स है, जो बहुत टेस्टी सा बनता है। तो ये दाल वड़ा है, दाल से इसका प्रिपरेशन होता है। तो हम चना दाल से इसका प्रिपरेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका रेसिपी कैसे बनता है। तो फर्स्ट स्टेप ये है, हमें चना दाल लेना है, उसे सोक करने के लिए रखना है। तो अराउंड वन एंड हाफ आवर उसे हम सोक करने रखेंगे। तो हमें इस चना दाल को अच्छे तरीके से ड्रेन करने रखना है एक 5 to 10 minutes के लिए। सो बाय द टाइम वो ड्रेन होता है, हमें अदरक, प्याज, कड़ी पत्ता, मिर्ची, हरी मिर्ची, धनिया पत्ता और लाल सूखी मिर्ची, ये सबको हमें क्लीन करके छोटे छोटे इसमें चॉप करना है। तो मेरे पास चॉपर था तो मैंने उससे चॉप करके ले लिया। फिर एक छोटे से प्लेट में 3 teaspoon जो सोक्ड दाल है उसे हमें हटाकर रखना है, और बाकी के जो दाल है हमें उसे ग्राइंड करना है। तो ग्राइंड मतलब बिल्कुल पानी कुछ नहीं डालना है, उसे जस्ट ऐसे ऐसे ग्राइंड करके लेना है। और ग्राइंड करके आपको देखना है कि ऐसे फॉर्म में आप कर पा रहे हो या नहीं। ऐसे कर पा रहे हो तो यही कंसिस्टेंसी रखकर आपको बाकी पूरा दाल को ग्राइंड करके लेना है। फिर ये जो चॉप्ड, जो भी हमने जो चॉप किया था उसके अंदर ये दाल, ग्राइंडेड दाल को हमें मिक्स करने के लिए रखना है। पूरे दाल और ये चॉप्ड इसके अंदर 1 spoon हल्दी और टेस्ट एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो मैं 1 spoon यूज़ कर रही हूँ। और जो हमने दाल को सेपरेटली रखा था उसे भी इसके साथ मिक्स करना है। इसे मिक्स करने के बाद अच्छे से, बहुत अच्छे से इसे मिक्स करके हमें डर्व जैसा करना है, डर्व जैसा बनाना है। तो बहुत अच्छे से मिक्स करना है हमें इसे, क्योंकि जो हल्दी है, नमक है, इवनली मिक्स होकर हमें उसे रखना है। तो अब हमने इसे मिक्स कर लिया है अच्छे से, काफ़ी अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब हमें कढ़ाई लेना है, कढ़ाई के अंदर ऑयल डालना है और ऑयल हीट करने के लिए रखना है। तो एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि ऑयल बहुत अच्छे से हीट होने के बाद गैस को मीडियम फ्लेम में हमें करना है। ऑयल अच्छे से हीट होने के बाद ही हमने ये स्टार्ट करना है, और मीडियम फ्लेम में रखने के बाद हमने इस प्रोसीजर से प्रेस करके इस दाल वड़ा को उसके अंदर फ्राई करने डालना है। तो केयरफुली हमें ये करना है, क्योंकि ज़्यादा हीट में आप डालोगे तो वड़ा जल जाने का चांसेस है और अंदर का जो दाल है वो नहीं पकने का चांसेस है। तो इसीलिए मीडियम में रखकर उसे अच्छे से फ्राई करके निकालने की कोशिश कीजिए। तो ये एक इवनिंग टेस्टी स्नैक है और इजी स्नैक्स है। तो आप सभी ने ट्राई करो, ट्राई करने के बाद कमेंट कीजिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।